तो ऐसे महापुरुषों की 500 वर्ष पुरानी उस ऐतिहासिक इमारत को एक पल में नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये दलित समाज के प्रति सरकार और जो संविधान की रक्षा की कसम खा करके सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनकी कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। दो तरीके अलग अलग, एक जगह मंदिर बनाना है उसी जगह, लेकिन एक जगह मंदिर उजाड़ना है, इस पर क्या कहना है? यहाँ पर तुगलकाबाद के जे गुरु घर के ऊपर शहीद किया गया है तो ये बहुत ही बड़ी हमारे आस्था को ठेस पहुँची है। तो जो हमारा बना बनाया मंदिर को शहीद किया गया और उसके लिए हमारा कोर्ट के माध्यम से हमारे ऊपर अन्याय किया गया, 25 करोड़ लोगों के आस्था को ठेस पहुंचाई है। और जब इनका मंदिर है, लगभग 20-30 सालों से इनकी लड़ाई चल रही है कि मंदिर वही बनेगा और हमारा बनाया हुआ मंदिर छीना गया है, इसलिए ये धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि सरकार को बताना चाहते हैं कि भाई ये जो है मंदिर हमारा भी वही बनेगा और जो हमारे बच्चों को 21 अगस्त के दिन जो हमारा धरना प्रदर्शन था तो उसके अंदर जो बच्चे पकड़े गए उसको निर्दोष छोड़ा जाए और जो हमारी तुगलकाबाद की कमेटी है उनके अंतर्गत तो वो सरकार ने जमीन देकर वो मंदिर वही बनाए, ये हमारी मांग है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि एक ही देश में दो प्रकार की प्रणालियाँ स्थापित की जा रही हैं, एक और मंदिर रक्षा की कस्में खाई जाती हैं तो दूसरी ओर मंदिर को तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर केवल मानसिकता का विषय है, पूर्वाग्रह से ग्रसित जब कोई भी पुरुष हो और वो अपनी मानसिकता को दर्शाता है तो उसका परिणाम यही होता है। कोर्ट का आदेश मंदिर को ढा देना है और हमारा जो ये मिशन है इस समय वो मंदिर निर्माण के लिए है, क्योंकि जिन हमारे गुरु ने इस देश को इस राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए हमें मधुमक्खियों की भांति मिलजुल कर रहना सिखाया, जिन्होंने हमें गुलामी से मुक्ति के लिए संदेश दिया, जिन्होंने उस पावन धरती तुगलकाबाद पर 3 दिना विश्राम करके सिकंदर लोधी को उस समय कहा देता रहे हजार बरस मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा न मिल सके जब लग मन शैतान। तो ऐसे महापुरुषों की 500 वर्ष पुरानी उस ऐतिहासिक इमारत को एक पल में नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये दलित समाज के प्रति सरकार और जो संविधान की रक्षा की कसम खा करके सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनकी कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। और हम 21 तारीख में भी हमने दिखाया कि संत गुरु रविदास और बाबा साहब की हम संतान हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, देश की रक्षा की सौगंध खाते हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं और हमारा मौलिक अधिकार है कि सोई हुई सरकार के कानों को खोलने के लिए, आँखों को खोलने के लिए हम अपने समाज को संगठित करके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निवेदन है सभी सामाजिक और धार्मिक और संगठनों से, राजनीतिक पार्टियों से, वो इस ऐतिहासिक कार्य में हमें अपना सहयोग और समर्थन प्रदान करें। हम ये चाहते हैं कि जो ये गुरुजी का मंदिर तोड़ा गया है, हमें रविदास जी का, ये हमें दिया जाए और हम शांतिपूर्वक अपना काम करना चाहते हैं। शांतिपूर्वक हमें अगर प्यार से अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें उसी तरीके से ही काम किया जाए। तो उन्होंने करिए नहीं होनी चाहिए ना ये। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा मंदिर वैसे ही बन जाए और हमारी भी यही मांग है कि मंदिर को जल्दी जल्दी पुनर्स्थान पर दोबारा उसको बनाया जाए। मीडिया इसलिए नहीं दिखाया कि ये दलित लोग हैं, सभी दलित लोग हैं तो दलितों का मंदिर टूटा है, इसलिए मीडिया नहीं है। मीडिया सब बैन किया हुआ गया है। बहुजन समाज की जितनी मीडिया है वो हमारा साथ दे रही है। हमारी मांगे ये है कि गुरु रविदास संत श्रमणी गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर तुगलकाबाद में तोड़ा गया है उसको उसी स्थान पे दोबारा बनाया जाए। मीडिया क्या, देखो जी सरकार है, सरकार के अंदर मीडिया भी की पड़ी हुई है, क्यों मीडिया जो दिखाती नहीं है। अगर एक छोटी जाति का, एक हरिजन समाज जाति का मंदिर था, इन्होंने तोड़ दिया, इनको इतना वो नहीं आया कि इसे मंदिर को क्यों तोड़ा जाए। अगर छोटे वर्ग लोग नहीं हों तो क्या देश के अंदर कौन काम करेगा? आज जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं इनकी सफाई करने छोटे वर्ग लोग तो जाते हैं।